अब पढ़े नहीं सुने अवधनामा उर्दू वॉइस एडिशन। नाज़रीन और सामीन आदाब, 6 ज़िलक़ादा मुताबिक 28 जून 2020 के अवधनामा वॉइस एडिशन में मैं हारून रशीद आपका खैर मकदम करता हूँ। आज सफ़े अव्वल की शुरुआत यूपी बोर्ड के इम्तिहानात के नतायज के हवाले से है, जिसमें एक बार फिर लड़कियों ने मारी बाजी। अलीशा और केशव ने किया लखनऊ का नाम रोशन। तफसीलात के मुताबिक उत्तर प्रदेश सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल यानी यूपी बोर्ड 2020 के इम्तिहानी नतायज का सनीचर को ऐलान कर दिया गया। हाई स्कूल में 83.31% जबकि इंटरमीडिएट में 74.63% तलबा और तालिबात ने कामयाबी हासिल की। मगरबी उत्तर प्रदेश के जिला बागपत के होनहारों ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट इम्तिहानात में अव्वल मकाम हासिल किए। हाई स्कूल में जिले की रिया जैन ने 96.67% नंबर हासिल करके पहला मकाम हासिल किया है, जबकि इंटरमीडिएट में बागपत के ही अनुराग मलिक ने 97% नंबर हासिल करके स्टेट में टॉप किया है। नायब वजीर आला डॉक्टर दिनेश शर्मा ने यहाँ लोक भवन में बोर्ड के नतायज का ऐलान किया। इस मौके पर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सेकेंडरी एजुकेशन आराधना शुक्ला और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला अवनीश अवस्थी मौजूद थे। इसी खबर के बॉक्स में बताया गया है कि तारीख में दूसरी बार लखनऊ से हुआ नतायज का ऐलान। यूपी बोर्ड के 99 साल की मियाद में दूसरी बार ऐसा हुआ है कि जब इम्तिहानी नतायज का ऐलान प्रयागराज से बाहर किया गया है। हाई स्कूल इंटरमीडिएट 2020 इम्तिहानात के नतायज प्रयाग की जगह पर हफ्ते को रियासती राजधानी लखनऊ से जारी किए गए। नतायज बोर्ड के सेक्रेटरी के मकाम पर उत्तर प्रदेश के नायब वजीर आला और सेकेंडरी एजुकेशन के वजीर डॉक्टर दिनेश शर्मा ने नतायज का ऐलान किया। सफे के बाएं जानिब सुर्खी है, नए टकराव की आहट। इस खबर में बताया गया है कि जनूबी व मशरकी एशियाई ममालिक के लीडरों ने कहा है कि 1982 में हुई अक्वामे मुत्तहिदा बहरी कानून समझौते की बिना पर साउथ चीन समंदर में खुद मुख्तारी का तायुन किया जाना चाहिए। चीन के जरिए तारीखी बुनियाद पर साउथ चीन समंदर के बड़े हिस्से पर दावा करने के खिलाफ जनूबी मशरकी एशियाई ममालिक के लीडरों की यह अब तक की सबसे सख्त तबसरों में से एक है। जनूब मशरकी एशियाई कौमी ऑर्गेनाइजेशन आसियान के लीडरों ने अपना रुख साफ करते हुए आज वियतनाम में 10 ममालिक की तंजीमों की जानिब से जारी किया। आसियान के बयान में कहा गया है कि हम दोहराते हैं कि 1982 में समझौता समंदरी अख्तियार खुद मुख्तारी इख्तियारी हल्का और वैलिडिटी मुकर्रर करने के लिए बुनियाद है। आलमी रेटिंग एजेंसी की तरफ से कहा गया है कि हिंदुस्तानी मईशत बहरान का शिकार है। खबर के मुताबिक एस एंड पी रेटिंग एजेंसी का कहना है कि हिंदुस्तानी इकोनॉमी संगीन बहरान के दौर से गुजर रही है और उसकी शरह तरक्की मौजूदा माली साल में 5% तक सिकुड़ सकती है। एस एंड पी ने एक अपडेट में इस बात का तस्करा किया है, जिसमें उसने साफ लफ्जों में कहा है कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी सख्त बहरान में है। वजीर आजम मोदी ने एक बयान में कहा है कि हुकूमत किसी से किसी तरह का कोई इम्तियाजी सलूक नहीं करती। खबर के मुताबिक वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी हुकूमत अकीदे सिंफ जात पात और जबान की बुनियाद पर किसी तरह का कोई इम्तियाजी सलूक नहीं करती है और उनका मकसद सभी 130 करोड़ हिंदुस्तानियों को बाख्तियार बनाना है। मिस्टर मोदी ने आज यहां डॉक्टर जोसेफ मार्थोमस मेट्रोपॉलिटन की 90वीं सालगिरह के मौके पर मुनक़िद तकरीब को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से खिताब किया। उन्होंने डॉक्टर जोसेफ को नेक ख्वाहिशात पेश की और उनकी तवील और सेहतमंद जिंदगी के लिए दुआ की। उन्होंने यह भी कहा कि COVID-19 सिर्फ जिस्मानी बीमारी नहीं बल्कि ये हमारी तवज्जो खराब तर्ज जिंदगी की जानिब भी ले जाती है। नाज़रीन, राहुल गांधी का यह बयान भी सफ़े अव्वल पर है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कोरोना से निपटने का कोई मंसूबा मोदी हुकूमत के पास नहीं है। मौसूला इत्तलात के मुताबिक राहुल गांधी मोदी हुकूमत के सामने लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं, कभी चीन के मामले को लेकर और कभी कोरोना वबा को लेकर। आज उन्होंने कोरोना वबा के मुल्क में बढ़ते असरात से मुतालिक ट्वीट करते हुए लिखा है कि कोरोना वायरस मुल्क के नए हिस्सों में तेजी से फैल रहा है और हुकूमत हिंद के पास उससे निपटने का कोई मंसूबा नहीं है। वजीर आजम खामोश हैं, उन्होंने वबा के सामने खुद सुपुर्दगी कर दी है और उससे निमटने से इनकार कर दिया है। आलमी खबरों के सफे पर पहली सुर्खी में दुनिया में कोरोना वायरस मुतासरीन की तादाद 97.77 लाख से मुतजाविज होने की खबर है। तफसील के मुताबिक जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के सेंटर बराए साइंस एंड इंजीनियरिंग की तरफ से जारी ताजा तरीन इत्तलात के मुताबिक कोरोना वायरस ने दुनिया भर में 97,77,889 अफराद को मुतासर किया है, जबकि इस वबा से 4,93,672 अफराद हलाक हुए हैं। COVID-19 से मुतासर होने के मामले में अमरीका दुनिया भर में पहले, ब्राजील दूसरे और रूस तीसरे नंबर पर है। दूसरी तरफ इस वबा की वजह से अमवात के आजाद और शुमार के मामले में भी अमरीका पहले, ब्राजील दूसरे और ब्रिटानिया तीसरे नंबर पर है। हिंदुस्तान में गुजस्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 18,552 नए केसेज रिपोर्ट हुए हैं और अब इस वायरस से मुतासर होने वालों की मजमू तादाद 5,08,953 हो गई है।
रहबर इंकलाब इस्लामी का बयान भी सफ़े के बाएं जानिब सुर्खी में है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इस्तिकामत और पायदारी से हर दुश्मन की शिकस्त मुमकिन है। रहबर इंकलाब इस्लामी ने फरमाया है कि इस्लामी रिपब्लिक ईरान के खिलाफ दुश्मनों के दबाव का नतीजा दुश्मनों के सीने पर ईरानी आवाम के जोरदार घूंसे की शक्ल में निकलेगा और दुश्मन पीछे हटने पर मजबूर हो जाएंगे। रहबर इंकलाब इस्लामी आयतुल उज़्मा सैयद अली खामनेई ने हफ्ते अदलिया के मौके पर अदलिया के आला ओहदेदारों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए खिताब किया। इस मौके पर आपने अमरीका, ब्रिटानिया और यूरोपीय हुकूमतों की कार्रवाइयों के मुकाबले में ईरान को महफूज रखने की जरूरत पर जोर दिया। आपने फरमाया कि अगर हम अपनी जिम्मेदारियों पर अमल करेंगे तो अल्लाह के करम से दुश्मन का हर हरबा नाकाम रहेगा और वो अपने मकासद पूरे नहीं कर सकेगा। इसी सफर पर एक खबर में कहा गया है कि अमरीकी सदर ट्रंप ने फॉक्स न्यूज टेलीविजन चैनल को इंटरव्यू देते हुए इंतखाबात में अपनी शिकस्त और जो बाइडन की मुमकिन कामयाबी का एतराफ़ कर लिया है। फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सदर ट्रंप ने कल फॉक्स न्यूज टेलीविजन चैनल से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस बात का इम्कान मौजूद है कि नवंबर के महीने में होने वाले सदारती इंतखाब में मुझे शिकस्त हो और जो बाइडन कामयाब हो जाए। इंतखाबात में अपनी मुमकिन शिकस्त का एतराफ ट्रंप ने ऐसे वक्त में किया है कि जब अमरीका में सदारती इंतखाब के हवाले से सामने आने वाली सर्वे रिपोर्टों से पता चलता है कि जो बाइडन की पोजीशन ट्रंप से काफी बेहतर है। रूस ने अमरीकी फौजियों को मारने के लिए अफगान जंगजुओं को इनाम की पेशकश की। इस खबर में कहा गया है कि अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने इंकशाफ किया है कि रूसी फौज ने अफगानिस्तान में अमरीकी फौजियों और दीगर फोर्सेस को कत्ल करने के लिए तालिबान से जुड़े जंगजुओं को इनाम की पेशकश की थी। रिपोर्ट के मुताबिक न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा कि ऑफिसर्स ने इस मामले पर ब्रीफिंग देते हुए कहा कि अमरीका ने महीनों पहले यह तय कर लिया था कि रूसी मिलिट्री इंटेलिजेंस ने पिछले साल यूरोप में कत्ल से वाबस्ता कोशिशों में कामयाब हमलों के लिए इनाम की पेशकश की थी। खबर में यह भी कहा गया है कि व्हाइट हाउस ने अभी तक रूस के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई की इजाजत नहीं दी है। यमन की वजारत सेहत ने खबरदार किया है कि सऊदी अरब बाज न आया तो अस्पताल कब्रिस्तान बन जाएंगे। मौसूल अखबार में कहा गया है कि यमन की वजारत सेहत ने खबरदार किया है कि अगर सऊदी जंगी इत्तेहाद ने तेल लाने वाले जहाजों को रोके रखा तो फिर यमन के अस्पताल मरीजों के कब्रिस्तान में बदल जाएंगे। सना से नुमाइंदे के मुताबिक यमन के वजीर सेहत ताहा मुतवक्किल ने बताया है कि ईंधन की किल्लत की वजह से ऑक्सीजन तैयार करने वाले 3 कारखानों की बंदिश ने खतरे की घंटी बजा दी है। उन्होंने कहा कि यह सूरत हाल इंतहाई तश्वीशनाक है। इसके अलावा फलस्तीनी इलाकों पर सहयोनी बमबारी, चीन के लिए जासूसी के इल्जाम में ऑस्ट्रेलिया के मेंबर पार्लियामेंट के दफ्तर पर छापा और इंडोनेशिया में कोरोना इन्फेक्शन से 37 मजीद लोगों की मौत की खबरें भी आलमी खबरों के सफा जहानुमा पर शाये की गई हैं। नाजरीन, 28 जून 2020 के अवधनामा के सफा 3 पर उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ योगी का वो बयान सुर्खी में है जिसमें उन्होंने कहा है कि अनलॉक बंदोबस्त में पूरी तवज्जो, सनाती, तिजारती और दीगर कारोबारी सरगर्मियां जरूरी। तफसीलात के मुताबिक वजीर आला ने उत्तर प्रदेश में कोविड 19 के यौमिया 20,000 टेस्ट की गुंजाइश पर इत्मीनान का इजहार करते हुए इसमें मुसलसल इजाफा करने की भी हिदायत दी। वजीर आला आज यहां अपनी सरकारी रिहायश गाह पर मुनक्किद एक आला सतही मीटिंग में अनलॉक बंदोबस्त का जायजा ले रहे थे। सनअती यूनिटों में कोविड हेल्प डेस्क कायम करने की हिदायत देते हुए उन्होंने कहा कि अनलॉक बंदोबस्त में पूरी तवज्जो के साथ तिजारती और दीगर कारोबारी सरगर्मियां भी जरूरी हैं। उन्होंने कहा कि कोविड हेल्प डेस्क का कयाम उन यूनिटों में काम करने वाले लोगों को इन्फेक्शन से महफूज रखने में अहम रोल अदा करेगा। वजीर आला ने कहा कि इंडस्ट्री में भी इस बात को यकीनी बनाया जाना चाहिए कि जहां 5 या उससे ज्यादा लोग काम कर रहे हो वहां मेडिकल स्क्रीनिंग का बंदोबस्त लाजमी तौर से यकीनी बनाया जाए। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग पर भी सख्ती से अमल किया जाए। सफा 3 पर ही एक दूसरी खबर में वजीर आला के उत्तर प्रदेश के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट इम्तिहान के कामयाब तलबा को मुबारकबाद देने की खबर है। इत्तलात के मुताबिक उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी ने यूपी बोर्ड के साल 2020 के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट इम्तिहान के कामयाब तलबा और तालिबात को दिली मुबारकबाद पेश करते हुए उनके रोशन मुस्तकबिल की तमन्ना की। आलमी वबा के दौरान बरवक्त इम्तिहान और लॉकडाउन के बावजूद वक्त से इम्तिहान के नतीजों का ऐलान किए जाने पर वजीर आला ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर डॉक्टर दिनेश शर्मा और महकमे के अफसरान और मुलाजिमीन के साथ साथ तमाम स्कूलों के प्रिंसिपलों और टीचरों, स्टूडेंट्स के वालिदैन और गार्जियंस को भी मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा
कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट इम्तिहानात के टॉप 10 होनहार तालिब इल्मों को रियासती हुकूमत की तरफ से एजाज से नवाजा जाएगा। उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी राजेंद्र कुमार तिवारी ने कहा है कि रियासती हुकूमत कोविड-19 से पैदा हुए हर चैलेंजेस से निपटने और रियासत के सभी शहरियों को कोरोना से महफूज रखने के लिए मुसलसल काम कर रही है। हुकूमत की कोशिशों से आज रोजाना 20,000 से ज्यादा कोविड टेस्ट किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वायरस के फैलने को रोकने में सबसे अहम रोल शहरियों का है, ऐसे में सभी शहरियों की जिम्मेदारी है कि वो हुकूमत के जरिए दी गई सलाह के मुताबिक एहतियात बरतें और 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी जैसे जाबितों पर लाजिमन अमल करें। उन्होंने कहा कि NBRI साइंसदानों ने कोविड टेस्टिंग लैब कायम करके एक मिसाल पेश की है। उत्तर प्रदेश बोर्ड के नतायज के ऐलान के बाद केशव प्रसाद मौर्य ने बड़ा ऐलान किया है कि यूपी बोर्ड के टॉपर्स के नाम पर सड़कों की तामीर होगी। खबर के मुताबिक उत्तर प्रदेश बोर्ड के 2020 के इंटर और हाई स्कूल के नतायज का ऐलान होने के बाद कामयाब तलबा और तालिबात को मुबारकबाद पेश करते हुए उत्तर प्रदेश के नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने एक बड़ा ऐलान किया है कि सिर्फ यूपी बोर्ड ही नहीं बल्कि CBSE और ICSE बोर्ड के इंटर और हाई स्कूल के टॉप 10 तलबा और तालिबात के घरों तक जाने वाली सड़कों की तामीर की जाएगी। उत्तर प्रदेश के जो भी 20 तलबा टॉपर्स के लिस्ट में आएंगे उनके नाम से ही सड़कों की तामीर की जाएगी। दूसरी तरफ डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा है कि टॉपर्स को हुकूमत 1-1 लाख रुपए और लैपटॉप देगी। तफसील के मुताबिक यूपी के नायब वजीर आला डॉक्टर दिनेश शर्मा ने यूपी बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट इम्तिहान 2020 के नतायज को हफ्ते के रोज लखनऊ में जारी किया, जिसमें लड़कों की कामयाबी के तनासुब लड़कों से ज्यादा है। डॉक्टर दिनेश शर्मा ने नतायज का ऐलान करने के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ होनहारों से बात कर सबको अपने मकासद पर कायम रहने का मशवरा दिया। इस मौके पर डॉक्टर शर्मा ने कहा कि रियासती हुकूमत टॉपर्स को 1-1 लैपटॉप के साथ साथ 1-1 लाख रुपए फराहम करेगी। उन्होंने कहा कि हम तमाम उम्मीदवारों के बेहतर मुस्तकबिल की ख्वाहिश करते हैं। सफर के ज़ेली हिस्से में खबर है कि लगातार 20वें साल भी कायम रहा हाशमी इंटर कॉलेज का दबदबा, हज़्ब मामूल 100% रहे बोर्ड इम्तिहान। तफसील के मुताबिक गुज़श्ता 20 बरसों से जिले में अपना तालीमी परचम लहराने और तकरीबन हर साल हाई स्कूल और इंटर इम्तिहान नतायज 100% पेश करने वाले हाशमी गर्ल्स इंटर कॉलेज अमरोहा ने अपना तालीमी मयार इस साल भी बरकरार रखा है और जारी इम्तिहान नतायज के मुताबिक 100% नतीजे पेश किए हैं। मौजूद सामईन आदाब, मैं हूँ कहकशां इरफान, लेकर हाजिर हूँ आपके खिदमत में अवधनामा के सफर नंबर 7, अपना वतन की सुर्खियाँ। सफर की पहली हेडलाइन पर नजर डालते हैं। सैटेलाइट तस्वीरों से चीनी फौज की दरअंदाजी आया। वादी गलवान में चीन की सरगर्मियों और मरकजी हुकूमत के जरिए सही सूरत हाल से हिंदुस्तानी अवाम को वाकिफ न कराए जाने को लेकर कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट कपिल सिब्बल ने पीएम मोदी के उस बयान को लेकर सवाल उठाया है, जिस बयान में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा था मुल्क की सरहद में कोई घुसपैठ नहीं हुई, न ही कोई घुसा है, न कोई घुसा हुआ है और न हमारी पोस्ट किसी के कब्जे में है। कपिल सिब्बल ने कहा, सैटेलाइट तस्वीरों से चीनी फौज की घुसपैठ साफ साफ आया है, वजीर आजम गलत बयानी से बाज आ जाएं और अवाम को सच बताएं। इस खबर की बाई जानिब दूसरी अहम सुर्खी नई दिल्ली से है। खबर है, दिल्ली में कोरोना को कंट्रोल करने के लिए 5 नकाती हिकमत अमली। गौरतलब है कि दिल्ली में कोरोना की दिन ब दिन खतरनाक होती सूरत हाल के दरमियान सनीचर को दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने इस वबा से निपटने में मिले तआवुन के लिए मरकजी हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि हम इन्फेक्शन को कंट्रोल में लाने के लिए 5 नकाती हिकमत अमली की तरफ बढ़ रहे हैं। नंबर 1, बेड की तादाद बढ़ाना। नंबर 2, बड़े पैमाने पर जांच और आइसोलेट करना। नंबर 3, ऑक्सीमीटर और मरीज में ऑक्सीजन सतह का ख्याल रखना। नंबर 4, प्लाज्मा थेरेपी से इलाज। नंबर 5, सर्वे स्क्रीनिंग करना। सफर के वस्त में दाहिने तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा, कश्मीर में मुसलसल लॉकडाउन से जिंदगी का हर शोबा मुतासिर। उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर में मुकम्मल या देर पा अमन अमान की फिजा कायम होने से ही यहाँ के ताजिरों को दरपेश मसाइल से छुटकारा मिल सकता है। इस खबर के बाई जानिब भी खबर श्रीनगर से है। जुनूबी कश्मीर में 29 गैर मकामी जंगजू सरगर्म। कश्मीर जोन पुलिस ने इंस्पेक्टर जनरल विजय कुमार ने कहा कि जुनूबी कश्मीर में 29 गैर मकामी जंगजू मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि जुनूबी कश्मीर के तराल में हिजबुल मुजाहिदीन से वाबस्ता जंगजुओं का सफाया किया गया है, जो कि सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। अपना वतन के सफर पर निचले हिस्से में भी कुछ अहम नेशनल खबरें दर्ज हैं। खबर पटना से है, सर्जन घपले में IAS रमैया समेत 60 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। बिहार के भागलपुर में हुए अरबों रुपए के सर्जन घपले घोटाले में 3 अलग अलग मामलों में साबिक जिला मजिस्ट्रेट और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर KP रमैया समेत 60 अफराद के खिलाफ हफ्ते को पटना की एक खसूसी अदालत में ताजरात हिंद और एंटी करप्शन की दफात
के तहत चार्जशीट दाखिल की गई है। सफर पर एक अहम सुर्खी हिंदुस्तान के शहर इनकलाब मेरठ से है, जहां कारी शफीकुर रहमान साहब ने कहा, जो शख्स इल्म को फरोग करता है वो मौत के बाद भी जिंदा रहता है। प्रोफेसर शहपर रसूल ने फरमाया, रियाज आदिल साहब ने अपने कारनामों से सच्चे मुस्लिह कौम का किरदार अदा किया है। सामईन, वो अपनी जात में एक अंजुमन थे। रियाज आदिल साहब हश्त पहल शख्सियत के मालिक थे। उनका चले जाना सिर्फ उनके खानदान का ही नहीं बल्कि पूरी मिल्लत इस्लामिया का नुकसान है। प्रोफेसर असलम जमशेद पुरी साहब ने कहा कि रियाज आदिल साहब ने मजीदिया मॉडल स्कूल, मजीदिया प्ले वे स्कूल, मजीदिया नर्सिंग स्कूल, मजीदिया मदरसा, मजीदिया सिलाई सेंटर, कुरान लर्निंग सेंटर वगैरह की बुनियाद डाली और सुपर 30 के नाम से भी नया तजुर्बा किया। कोरोना वायरस की इस मुश्किल दौर में भी उन्होंने 500 गरीबों को खाना पहुंचाने और 300 घरों में रोजाना दूध पहुंचाने का काम किया। रिसाला मजीदिया टाइम्स भी निकाला, जो हिंदी और अंग्रेजी में शाये होता रहा। बीजेपी की रियासती हुकूमत चौथे साल के इक्तदार में चल रही है। इस अरसे के दौरान वो अवामी मफादात का कोई मंसूबा सामने नहीं ला सकी है। उसने सिर्फ मजदूरों की परेशानियों को अपने सियासी मफाद के लिए इस्तेमाल किया है और सिर्फ कागज पर रोजगार दिया है, ये कहना है सपा के कौमी सदर अखिलेश यादव का, जिसकी तफसीली खबर से अवधनामा के आखिरी सफे का आगाज हो रहा है। रियासती हुकूमत के खिलाफ कांग्रेस की तनकीदें भी रोजाना अखबार में देखने को मिल रही है। आज भी कांग्रेस के रियासती सदर अजय कुमार लल्लू ने हुकूमत को हर महाज पर नाकाम बताया है। उन्होंने कहा है कि हुकूमत की जेर सरपरस्ती मुजरिम खुलेआम जुर्म कर रहे हैं, जबकि आम शहरी खौफजदा हैं। लॉकडाउन के आगाज के बाद से ही रियासत में तशद्दुद, कत्ल, इस्मत दरी की सैकड़ों वारदात हुई है, लेकिन मुतासिर अफराद के अहले खाना को इंसाफ नहीं मिल रहा है। दूसरी जानी बोर्ड के नतायज के जिम्मे खबरें शाये हुई है, जिनमें पहली खबर शुआ फातमा गर्ल्स इंटर कॉलेज की है, जिसके हर साल की तरह 100% नतीजे रहे हैं। यास्मीन बानो ने इंटर में टॉप किया है, जबकि हाईस्कूल के हिंदी मीडियम से अर्चना मौर्या ने 87% और अंग्रेजी मीडियम से आयुष कश्यप ने 86% नंबर हासिल करके टॉप किया है। मुमताज इंटर कॉलेज से 17 स्टूडेंट इंटर इम्तिहान में शरीक हुए, जिसमें 9 फर्स्ट डिवीजन और 8 सेकंड डिवीजन पास हुए, जबकि हाईस्कूल का नतीजा 75% रहा। वीआईपी तहफुज का दारोमदार भी संभालेगी UPSSF यानी उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेज। तफसील के मुताबिक वजीर आला योगी आदित्यनाथ की हरी झंडी मिलने के बाद UPSSF एक्ट बनाने की तैयारी जोरों पर है। माना जा रहा है कि आइंदा हफ्ते काबीना मीटिंग में UPSSF की तशकील से लेकर अमल दरामद तक के लिए अलग एक्ट को मंजूरी मिल जाएगी। एक सीनियर अफसर के मुताबिक इस एक्ट के तहत ये फोर्स DGP के मातहत होगी, लेकिन UPSSF के अलग ADG होंगे। UPSSF जवानों के लिए सिविल पुलिस में ट्रांसफर का बंदोबस्त नहीं होगा, यानी ये फोर्सेस सिविल पुलिस से पूरी तरह अलग होगी। सफे के ज़ेली हिस्से में भारतीय जनता पार्टी अकलियती मोर्चा के कौमी सेक्रेटरी शफात हुसैन का बयान शाये हुआ है, जिसमें उन्होंने मदरसा तालीमी बोर्ड के असाज़ा के दस्तावेजात की जांच कराए जाने का खैर मकदम करते हुए कहा कि रियासत के कुछ मदरसों में दीनी तालीम के नाम पर जमकर फर्जीवाड़ा किया जा रहा है और मदरसों के मैनेजर और जिम्मेदार अपने करीबी रिश्तेदारों के कागजात पर सरकारी नौकरी लेते हैं, मगर पढ़ाने के लिए दूसरे टीचर रख लेते हैं और अपनी मर्जी के मुताबिक उन्हें तनख्वाह देते हैं। इन खबरों के अलावा शायद इत्तलात में लाठीचार्ज की मुखालिफत में SP कारकुनों ने दिया मेमोरेंडम और माँ बेटी की मुश्तबा हालत में मौत, 3 अफराद आइसोलेट, काबिले तवज्जो है। अवधनामा में शायद मुख्तलिफ मजामीन का तारुफ नाजरीन की पेशे खिदमत है। इदारती सफ़े का पहला मजमून मासूम मुरादाबादी का बउनवान अब काशी और मथुरा की मस्जिदों पर दावा शाये हुआ है। मखला निगार इस हसास मौजू पर तहरीर करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक ऐसी अर्जी समाअत के लिए मंजूर की है कि अगर अदालत का फैसला इसके हक में सादिर हुआ तो मुल्क में फिरकावारियत का एक नया तूफान आ जाएगा। ये अर्जी दरअसल 1991 के उस ऑर्डिनेंस को खत्म करने के लिए दायर की गई है, जो इबादत गाहों को तहफ्फुज़ फराहम करने के लिए उस वक्त पास किया गया था जब मुल्क में बाबरी मस्जिद के खिलाफ इंतहाई शर अंगेज मुहिम चल रही थी। उसी दौरान अपोजिशन के दबाव में नरसिम्हा राव सरकार ने यह ऑर्डिनेंस मंजूर किया था कि 1947 में मुल्क की आजादी के वक्त जो इबादतगाह जिस हालत में थी उसकी वही हालत बरकरार रहेगी और इसमें तब्दीली का हक किसी को नहीं होगा। इस ऑर्डिनेंस के पास होने के बाद लोगों ने इत्मीनान का सांस लिया था कि अब मुस्तकबिल में सिंध परिवार को बाबरी मस्जिद जैसा तनाजिया खड़ा करने का मौका नहीं मिलेगा और बाबरी मस्जिद के सिवा तमाम इबादतगाहें शरपसंदों के नापाक अजायम से महफूज रहेंगी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में इस ऑर्डिनेंस को ही चैलेंज कर दिया गया है और अदालत जल्द ही इस मामले पर समाअत करने वाली है।
सफ़े का दूसरा मजमून कहकशा इरफान का है, जिसमें वो मुल्क में फैले करप्शन और उस पर आला ओहदेदारों को निशाना बनाती हुई लिखती हैं, राजा तो काला धन वापस लाने के लिए आए थे मगर अफसोस परदेश से काला धन तो वापस नहीं आया, उल्टा मुल्क की सफ़ेद दौलत परदेश चली गई। एक शराब कारोबारी 16 लाख करोड़ रुपए लेकर भाग गया, दूसरा हीरे का ताजिर 9 लाख करोड़ रुपए लेकर भाग गया, तीसरे ने यस बैंक को कंगाल कर दिया। साहिब मकाला अपना मजमून अवामी दुश्वारियों और हुक्काम की बेएतनाई के पस मंजर में इस मिसरे पर खत्म करती है, आगे आगे देखिए होता है क्या। अदबी सफ़े पर एक तबसरा, एक अफसाना और एक बच्चों से मुतालिक तहरीर के अलावा 2 मंजूम कलाम मौजूद हैं। सफ़े का आगाज़ मुजाहिद सलीम मालेगांव के अफसाने सौगंधी से हो रहा है, जबकि दूसरी तहरीर तबसरे की शक्ल में डॉक्टर दाऊद अहमद की है। यह तबसरा इशद ग्यावी हयात व शायरी किताब पर है। तबसरा निगार किताब के सिलसिले से लिखते हैं, ज़ेर नज़र किताब 3 अबवाब पर मुश्तमिल है। उन अबवाब के अलावा मुसन्निफ़ का पेश गुफ्तार भी है, जिसमें उन्होंने इशरत ग्यावी की इल्मी और शेरी खिदमात का तारुफ पेश करते हुए किताब की गरज़ व गायत पर भी रोशनी डाली है। ये किताब दबिस्तान गालिब का एक अहम फनकार इशरत ग्यावी हयात और शायरी से मुतालिक तहकीकी और तनकीदी जायजे पर मुश्तमिल है, जिस पर अब तक किसी ने तवज्जो नहीं दी है। मुसन्निफ़ ने गालिब के एक अहम शागिर्द नादिर शाह खां शोखी रामपुरी का जिक्र भी पेश गुफ्तार के ज़ेल में किया है, जो शहर गया में बसिलसिले तजारत सुकूनत पजीर थे। अदब अतफाल से मुतालिक सिदरा बासी की तहरीर गुब्बारे नसर में और हिस्से नज़्म में अतिया परवीन की फुदकी और हैदर बयाबानी की कोरोना सफ़े के मशमूलात करार पाए हैं। मुतफर्रिक इशाती मजामीन में हबीब तनवीर की 11वीं बरसी की मुनासिबत से शाये होने वाला मजमून डॉक्टर जी एम पटेल का है, जिसमें कलमकार ने हबीब तनवीर की शख्सियत और फन पर गुफ्तगू करते हुए लिखा है, तनवीर ने थिएटर की दुनिया में एक नया इनकलाब लाने का इरादा किया और तय कर लिया था कि ड्रामा निगारी और हिदायतकारी को अपने तर्ज जिंदगी, अपना तर्ज माश को मुस्तहकम मुस्तकिल पेशा अख्तियार करना है तो उसकी जदीद तरीन तकनीक और हिदायतकारी की आला तरबियत भी जरूरी है। उसकी पुख्तगी के लिए तनवीर बरतानिया की रॉयल अकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स यानी राडा में 3 साल की तरबियत हासिल करने के लिए लंदन रवाना हुए। दूसरा मजमून मोहम्मद मुस्लिम शबनम नूरी कुछ यादें कुछ बातें प्रोफेसर अतीक अहमद फारूकी का है। ये एक तासुराती मजमून है, जिसमें मकाला निगार ने माजी की यादों के सहारे अपने ममदू की खाका निगारी की है, जिसमें उनकी समाजी मिली और अदबी खिदमात का जायजा लिया गया है। मजमून का ये इक्तिबास देखे जो शबनम नूरी की खुददारी को जाहिर करता है। वो यानी शबनम नूरी खुददार इंसान थे, कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए, जबकि उनकी जिंदगी के हालात ऐसे थे कि वो मदद के मिज़दाक थे। अपने लखनऊ के तालिबे इल्मी के जमाने में अक्सर ऐसा हुआ है कि उनकी जेब में पैसे नहीं होते थे। लखनऊ की एक पुरानी मस्जिद के ताक में रखी हुई सूखी रोटियों को पानी से भिगोकर मुलायम कर लिया करते थे और उससे अपनी भूख मिटा लिया करते थे। अवधनामा का पूरा अखबार तफसील से पढ़ने के लिए epaper.avadnama.com पर लॉग इन करें। नसार भी कहते हैं, नकाद भी कहते हैं, इस शहर निगारा का मेयार अवधनामा।